बहुत हुआ है कि हमसे मिलने चले आए आपको, हम केवल उसमें मोबाइल में देखते थे। आज हमारे लखनऊ में, और लखनऊ में आने के बाद हमने कुछ मदद भी की थी, और हमारे बबलू भाई हैं, बबलू भाई का गिर गए थे, बबलू भाई आप जी गिर गए थे, हाँ तो गिर गए थे 2015 से और आज 2019 है, जी जी 4 साल हो गए हैं, 4 साल से बेड से नहीं उठे और माली हालत भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बीवी है वो काम करती है। तो हम आए थे दीपावली से पहले कि बबलू भाई के घर में थोड़ी सी खुशियाँ दी जाए ना, कि बहुत धन्यवाद होगा आपका। अब ये समझ लीजिए कि अब ये पीछे घाव हैं तो तकिया पीछे लगाते हैं लंबी सी, तो इस भर लेट बाते हैं, न तो अगर ये तकिया नहीं होती तो फिर सीधे हो जाते हैं, और अगर बैठते हैं तो वही घाव के ऊपर बैठते हैं तो वो जल्दी ठीक ही नहीं होते। जिस वक़्त से गिरे थे उसके कई महीना भर के बाद से हो गए थे तो वो घाव सही नहीं होते हैं। और अब कल 90 रुपये का टेप आता है, वो 5-6 दिन चलता है, तो महीने के 400-500 रुपये तो खाली हमारे टेप में चले जाते हैं, और ये महीने के बहुत से बहुत 3-4-5-6 हज़ार रुपये कमा लेती है, तो उसमें आधे ज़्यादा तो दवाई मेरा लग जाता है। बस ये है कि ऊपर दुआ है कि पता नहीं कैसे खर्चा हमारे घर का चलता है। देखा कि आप सबकी मदद करते थे तो हमने कहा भैया से हम भी संपर्क करें कि हो सकता है कि आपके द्वारा अकला की दिवाली भी हमारी भी अच्छी बने, क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं पापा हम याला कपड़ा लेंगे, उन्हीं ने साथ उनका त्यौहार आया था कि उनकी शादी हुई थी कि उन्हीं ने अच्छे अच्छे कपड़े, बेटा हमने कहा अब भैया 2000 रुपये का कपड़ा बेटा अगर जिसे बनाओगे 2000 में हमारा त्यौहार बन जाएगा। आपकी वीडियो देखी थी मैंने, तभी सोचा था कि लखनऊ आएंगे कभी मिलने के लिए, ऐसा ये केवल हम सपनों में सोचते थे, मजाक नहीं कर रहे हैं, ये खाली हम सपने में सोचते थे कि कभी इनसे मुलाकात होगी, क्योंकि ये भी हमें नहीं मालूम था कि आजकल दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि दूसरे की मदद कर सकते हैं। कि मैंने वीडियो में पहले एक वीडियो देखा तो उसमें हमने देखा कि भाई यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं सच नहीं होती है। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं रियल में होती है कि हाँ आदमी करता है, तो एक दो बार वीडियो देखी, तो फिर एक भैया हैं तो गाड़ी वाड़ी दिया करते थे सबको, तो फिर हमने सोचा कि हो सकता है हमको गाड़ी मिल जाए तो हम अपना नहीं बाहर वाहर चला जाया करें। कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? अरे वो जो अपने हाथ से चला लो के बाहर वहाँ बैठे जाके, और अच्छा वो व्हील चेयर जो होती हाँ है। हाँ वो वाली, उसमें पहिया भी लगी होती है, कोई जैसे मोड़ना ओढ़ना भी हो वाली, तो उसके बाद में नहीं तो हमारा वो बना हुआ है, हमने विकलांग का कागज बनवा लिया था तो उसमें सरकार है, तो वो व्हील चेयर वगैरह है आपके पास में? नहीं है, घुमा घुमाते वो बाहर मिली थी तो वो पंचर हो गई थी, वो जैसे पंचर हो गया था, तो इनसे कहा तो ये कहीं हम कहाँ ले जाएंगे, जो चेयर वाली होती है जो दो पहिए वाली के हाथ से चलाने वाली वो जैसे मिल जाती तो वो करते। तो फिर अब ये समझ लिए 5 साल से बाहर नहीं देखा कैसे लोग जीते हैं, कैसे लोग रहते हैं, कि जब कभी अगर कहीं दिखाने जाना होता है तो बाहर देखते हैं तो अच्छा लगता है कि देखो आज हम बाहर निकले हैं। बबलू भाई घर में कैसी दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें बहुत हैं, जो दो बहनें हैं और शादी करने को है, जब शादी कहीं लगती भी है और जहाँ से भी कोई बात अगर होती है तो वो हमको देख लेते हैं वापस चले जाते हैं कि ये क्या हमको देंगे। और अभी जल्दी ही एक जिया बातचीत चल रही थी, अभी परसों फोन आया मना कर दिया कि हम शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस मारे के पता नहीं आप देव ना देव जो नहीं ठीक हो गया। अभी दीपावली सर पे आ रही है तो कैसे अभी चलेगा घर का खर्चा वर्चा, कैसे चलेगा घर का खर्चा, क्या अगर चलता है हम जैसे कोई मदद कर देता है, और या नहीं होता है कि भाई चटनी ही रोटी खा के अपना गुजारा करते हैं, कि भाई किसी से मांगने से मांगो किसी से तो वो मांगे कोई देता भी नहीं है, कि लो भाई हमारा अपना पूरा कर लो। नहीं अब दीपावली आ रही है जैसे, तो बच्चे कहते हैं कि पापा मुझे
बच्चे कहते हैं, वही कहते हैं पापा कपड़े हमें अच्छे से अच्छे दिलाओ, यही कहते हैं कि बेटा अच्छे से अच्छे कपड़े कहाँ दिलाए बेटा, या तो तुमको खिला ही दे, मम्मी जितना करती है उतना खर्चे केवल खाने ही पीने में हो जाता है, तो तुमको कपड़े कहाँ से दिलाए। वो बेटा है आपका? हाँ वो बेटा है, वो मेरी बेटी है। अच्छा बेटी, वो बेटी बड़ी बेटी है? हाँ बस दो ही बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? अर्णव। अर्णव दीपावली पे क्या खरीदोगे आप? कपड़े। कपड़े खरीदोगे? कौन से कपड़े खरीदोगे बताओ? पैंट बुशर्ट। पैंट बुशर्ट खरीदोगे? कितने पैसे कहेंगे? हम दिलाएंगे तुम्हें पैंट बुशर्ट। दिवाली, इस दिवाली कुछ करते हैं हम आपके लिए ना, ऊपर वाला करेगा आपको दिवाली अच्छे से कपड़े पहन रहे ना, हम कराएंगे दिवाली पे आपको। अरे भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं धन्यवाद नहीं, मैं भाई हूँ आपका। आप अरे ये मैं भैया आप यकीन नहीं करेंगे, आज 5 साल से पढ़े हैं, कोई 2 रुपए की मदद नहीं करी सर, ये हम ही जानते हैं कि कैसे, और कोई ऐसे हमने पुण्य किए थे तो मुझे ऐसी बीवी मिली जो हमारा साथ दे रही है आज 5 साल से, अब तो कोई 2 दिन नहीं साथ देता है, कमा के खिला रही है, क्योंकि आज ये समझ लीजिए हम एक गिलास पानी का, हमारा प्याज भी लगी हो तो हम पलंग से नीचे उस जगह पर रखा हो तो हम उठा नहीं सकते हैं, तो यही पलंग पर लेटे लेटे मेरा पलंग नीचे धस गया है, और एक वो गद्दा आता है, एक गद्दा आता है, मतलब हवा भरने वाला गद्दा, हवा भरने भैया उतने पैसे ही नहीं हो पाते हैं। कितने का आता है वो? 2000 रुपये का आता है। 2000 रुपये का आता है तो इतने खर्च आ जाते हैं, जैसे कहीं से अब ये कमाती भी हैं तो इतने खर्चे हैं बच्चे की पढ़ाई। तो अब वो गद्दा तो बताया होगा डॉक्टर ने? नहीं तो बताया था तो, मगर शुरुआत में ये है कि उतना पैसा इकट्ठा ही नहीं हो पाता है। आपके कपड़े कितने के आएंगे? आपके बस सब बच्चों के कपड़े कितने के आ जाएंगे? आ जाएंगे 2-3 हज़ार रुपये में? हाँ लगभग आ तो जाएंगे। आ जाएंगे ना? आ जाएंगे। अच्छा एक दो, ये 5000 रुपये है ना बबलू भाई? ये 5000 रुपये आपकी दिवाली के लिए हैं, आप अपने बच्चों में खुशी से दिवाली मनाइए। अरे भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई हूँ आपका, और एक भाई के नाते मैं दे रहा हूँ बेटा, तो दिवाली पे है ना कपड़े बनाने आपको, ठीक है बेटा? थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई कर। तो अभी दीपावली जैसे आ रही है तो अब घर में तो कुछ होगा नहीं बच्चों? भैया बस आप ही लोग की दुआ है, जब से आप लोग की मदद मिली है थोड़ा आराम मिला है, बच्चे भी मतलब थोड़ा खुश हैं कि हाँ मम्मी मतलब पटाखे दिला देंगी हमें और कपड़े दिला देंगी, इसलिए थोड़ा बच्चे भी आपकी बात थोड़ा खुश हो। तो अभी अब जो पैसे दिए उससे हो जाएगा आपका दिवाली बन जाएगी, खुशी आ जाएगी? भैया बिल्कुल हो जाएगा, आप लोग का बहुत एहसान है। नहीं एहसान नहीं बहन, ये तो कि एक दिए में तेल डालने के जैसे है आप लोग, बिल्कुल हमारी बच्चों के होते रहे, हमें बच्चों का भविष्य नहीं, बच्चों की मदद होगी, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। ये समझ लीजिए भैया आप यकीन नहीं करेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि उलझन होने लगती है, ये पंखे में लटक के जान देते, मगर फिर बच्चों का याद आ जाता है कि मैम हमको कभी कभी अभी 3 महीने की फीस आप लोगों ने इतनी मदद करी थी तो कल जमा हमने कराई है। पूरे महीने में कितने का राशन आता है आपके पूरे महीने का? लगभग 3000 का राशन। 3000 का राशन मिला के पूरी फैमिली है सब? जी हाँ नहीं हम लोग अलग रहते हैं, मगर ये है। चलिए भाभी जी अब साथ दीजिए भाई का है बबलू भाई का, इसे समझे कि दो बच्चे और इन्हीं लोग के लिए कि जिंदगी है, वरना जीवन किस काम का था। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप साथ दीजिए और हमसे जो मदद होगी, हमारे आमिर भाई हैं वो आते रहेंगे आपके पास में, और मैं भी लखनऊ जब भी आऊँगा आपसे मिलूँगा। तो ये हमारे बबलू भाई हैं और इनके बच्चे हैं और एक बिटिया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस दिवाली किसके घर में दिया जलाया जाए, खुशियाँ बांटी जाए और खुशियाँ इन बच्चों के चेहरे पे आनी चाहिए। बच्चे मायूस थे कि इस दिवाली हमें कपड़े नहीं मिलेंगे, और बेटा आप तो खुश हो ना, आप कपड़े मिलेंगे ना आपको, तो अच्छे से दिवाली मनाइए भाभी जी आप। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि किसी धर्म किसी जात से भी कोई भी इंसान अगर परेशान है उसकी मदद कीजिए, चाहे वो मुस्लिम है हिंदू है सिख है ईसाई है, लेकिन वो एक इंसान है और इंसान का फ़र्ज है कि ऐसे लोगों की मदद करें, अपने घर से निकलिए आसपास देखिए और ऐसे लोगों की मदद कीजिए। अगर आप लखनऊ में हैं और लखनऊ में अगर आप
बबलू भाई से मिलेंगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बबलू भाई क्या एड्रेस है? मैं बबलू भाई का मोबाइल नंबर मैं डाल दूंगा वीडियो के नीचे मैसेज में, तो आप फ़ोन करें बबलू भाई की, जितनी मदद हो सकती है कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।